सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज पर फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। औराई के महाराजगंज बसंतापुर गांव में आवारा कुत्तों के आतंक से पशु पालक परेशान हैं। अब तक आधा दर्जन पशुओं को आवारा कुत्ते मौत के घाट उतार चुके हैं। बसंतापुर निवासी मुकेश कुमार बिंद के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से गांव में आवारा कुत्तों का आतंक कायम हो गया है। 15 दिन के अंदर आवारा कुत्तों से 6 पशुओं की मौत हो चुकी है। जयशंकर बिंद के गाय के 2 बच्चे घर के समीप चर रहे थे, कुत्तों ने इन पर हमला कर दिया, जिसमें एक गाय के बच्चे की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। छोटंकी नामक पशु पालक की भी बकरी की मौत हो चुकी है। इसी तरह गांव के 4 अन्य बकरी पालकों की बकरियों पर हमला कर आवारा कुत्तों ने मौत के घाट उतार दिया है। आवारा कुत्तों के आतंक से पशु पालकों में हड़कंप मचा है। ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को भी दी थी। वन विभाग इस मामले में हाथ खड़ा कर चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शनिवार को भदोही पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री पहुंचे तो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक, जिला मंत्री अखिलेंद्र सिंह बघेल व भदोही नगर पालिका परिषद के सभासद प्रदीप यादव ने अलग अलग मांगे रखी हैं। हौसला प्रसाद पाठक ने पत्र सौंपते हुए डेंगूरपुर, धनतुलसी, कटरा वाया कोयरौना, जंगीगंज, गोपीगंज, ज्ञानपुर में रोडवेज बस संचालन की मांग की है। सभासद प्रदीप यादव ने परिवहन मंत्री को पत्र सौंपते हुए इंदिरा मिल के जमनीपुर में बंद पड़े बस स्टैंड को चालू कराने की मांग रखी है। इसी तरह अखिलेंद्र सिंह बघेल ने भदोही जिले में सिटी बस संचालन के लिए पत्र सौंपा है। परिवहन मंत्री ने भाजपा नेताओं को आश्वासन भी दिया है। सैकड़ों साल से बसे ग्रामीणों को राजस्व विभाग की नोटिस मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। मामला ज्ञानपुर इलाके के सिंहपुर ग्राम सभा का है। शनिवार को बड़ी संख्या में सिंहपुर से पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम को एक पत्र सौंपा है। शिकायती पत्र देते हुए मुकेश कुमार, ओमनाथ, राजन, सुरेश, मानती देवी, सुमित्रा देवी सहित काफी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि वह सभी भूमिहीन हैं। कहा कि सैकड़ों वर्ष से एक भूमि पर उनके पूर्वज बसे थे, आज भी उसी भूमि पर सैकड़ों परिवार के लोग रह रहे हैं, लेकिन अचानक तहसील प्रशासन द्वारा बेदखली की नोटिस देते हुए बताया गया कि यह जमीन तालाब की है। ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए डीएम से गुहार लगाते हुए कहा है कि पहले उन्हें कहीं बसाया जाए तब हटाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि वह सभी पासी जात के हैं। भदोही शहर के इंदिरा मिल के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 23 वर्षीय सुषमा देवी नामक विवाहिता की मौत हो गई। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जाठी निवादा से पहुंचे विवाहिता के पिता रमेश कुमार गौतम ने ससुरालियों पर दवा देकर बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया, जबकि मौके से पति फरार हो गया था। रमेश कुमार गौतम की 23 वर्षीय पुत्री सुषमा देवी की शादी जौनपुर के रामपुर भरतीपुर निवासी गेनालाल के पुत्र अरविंद गौतम के साथ हुई थी। तबीयत बिगड़ने पर विवाहिता सुषमा देवी को लेकर ससुराल वाले भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचे थे, जहां उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही विवाहिता की मौत हो गई। मायके वालों का कहना है कि उसकी बेटी सुषमा देवी को गेहूं में डालने वाली दवा को खिला दिया गया है, जिससे उसकी मौत हुई है। मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुरौना इलाके के बनकट उपरवार में एक भीषण चोरी की घटना घटी है। चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। 7 कमरों का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के जेवर, कपड़े, बर्तन उठा ले गए हैं। बनकट उपरवार के मिश्रा बस्ती निवासी उमा शंकर मिश्रा मकान में ताला बंद कर सब परिवार के साथ मुंबई में रहते थे। 3 माह बाद शनिवार की सुबह उमा शंकर मिश्रा पत्नी व बेटे के साथ अपने घर पहुंचे थे। मेन गेट का ताला खोलकर अंदर घुसे तो नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 7 कमरों का ताला टूटा हुआ था, सामान बिखरे पड़े थे। नजारा देख गृहस्वामी उमा शंकर मिश्रा के होश उड़ गए। फौरन इस बात की जानकारी कोयरौना पुलिस को दी थी। सीतामढ़ी चौकी प्रभारी गिरीश राय दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। आशंका जताई जा रही है कि चोर मकान के पीछे से छत पर चढ़े और सीढ़ी से नीचे उतरकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है।
सूर्यामा अभिया के रहने वाले सीआरपीएफ के जवान आशीष कुमार सिंह का शव उनके गांव पहुंचा तो चहुओर मातम पसर गया। 36 वर्षीय आशीष कुमार सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल झारखंड के चतरा में तैनात थे। तैनाती स्थल पर ही आशीष कुमार सिंह ने मौत को गले लगा लिया था। शनिवार की सुबह सीआरपीएफ के जवान अपने साथी आशीष कुमार सिंह का शव लेकर अभिया पहुंचे थे। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। 2010 में आशीष कुमार सिंह सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। आशीष कुमार सिंह के बड़े भाई अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनका भाई किसी बात को लेकर तनाव में चल रहा था। आशीष कुमार सिंह ऐसा कदम उठा लेगा, इस बात का जरा सा भी अंदेशा नहीं था। सूर्यामा नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी शशिकांत तिवारी का तबादला हो गया है। अधिशासी अधिकारी चेयरमैन व सभासदों के बीच काफी समय से रार मचा था। शासन ने अधिशासी अधिकारी सूर्यामा शशिकांत तिवारी को जौनपुर के गौराबाद शाहपुर का अधिशासी अधिकारी के पद पर तबादला कर दिया है। शासन ने शनिवार को अधिशासी अधिकारी शशिकांत तिवारी का तबादला कर गौराबाद शाहपुर भेज दिया है। कांवड़ यात्रा को लेकर भदोही जिले के हाईवे का एक लेन बंद कर दिया गया है। शनिवार की सुबह लगभग 6 बजे औराई के कोठरा ओवरब्रिज पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आमने सामने हुई ट्रकों की टक्कर में एक ट्रक का काफी हिस्सा जहां क्षतिग्रस्त हो गया है, वहीं ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गुजरात का रहने वाला 45 वर्षीय चेतन नामक ट्रक चालक साबुन व अनार लादकर प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहा था। औराई के कोठरा ओवरब्रिज के समीप पहुंचा तभी सामने से आ रही एक ट्रक ने साइड से टक्कर मार दी। साबुन व अनार हाईवे पर बिखर गए, जबकि चालक चेतन गंभीर रूप से घायल हो गया था। साबुन व अनार लूटने के लिए लोग टूट पड़े थे। हालांकि औराई पुलिस के पहुंचते ही लोग मौके से भाग खड़े हुए। घायल ट्रक चालक को सीएससी औराई में भर्ती कराया गया था, जहां से चिकित्सकों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। टक्कर मारने वाला चालक ट्रक सहित फरार हो गया है। विद्युत कटौती, जर्जर विद्युत तार, लो वोल्टेज, गलत बिलिंग जैसी तमाम समस्याओं को लेकर विद्युत उपभोक्ताओं का गुस्सा शनिवार को फूट पड़ा और विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मामला कोयरौना इलाके के सीतामढ़ी फीटर कोनिया क्षेत्र का है। कोनिया इलाके से बड़ी संख्या में लोग सीतामढ़ी विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचे थे। उपकेंद्र के जेई का घेराव करते हुए इलाके के लोगों ने जमकर हल्ला बोला। ब्रजेश पांडे, विवेक तिवारी, लोकुश, आशुतोष पांडे, निशांत सिंह जैसे उपभोक्ताओं का कहना है कि पिछले कई दिनों से कोनिया इलाका लो वोल्टेज की समस्याओं से जूझ रहा है। बिजली कब आती है और कब जाती है, इसका भी कोई समय नहीं है। 24 घंटे में मात्र 2 से 3 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाती है। इसी बात से नाराज कोनिया इलाके के लोगों ने सीतामढ़ी विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। हालांकि विद्युत विभाग के अधिकारियों ने 24 घंटे के अंदर समस्या का समाधान कराते हुए हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया था। इसे कहते हैं खबर का बड़ा असर। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। पढ़ने, खेलने, खाने की उम्र वाले बच्चों से मनरेगा योजना के अंतर्गत काम लेने वाले ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक को भदोही जिले के श्रम आयुक्त कार्यालय ने नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि यह मामला डीख ब्लॉक के चंदापुर ग्राम सभा का है। ग्राम प्रधान राकेश कुमार भारतिया, रोजगार सेवक देवेंद्र कुमार यादव ने गांव के ही 3 नाबालिग बच्चों से मनरेगा के तहत रमाशंकर का खेत समतलीकरण का काम करा रहे थे। ग्राम सभा के धीरज चौबे ने इस खबर को सत्यम न्यूज को भेजा था। सत्यम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। खबर के बाद बड़ा असर हुआ है। कार्यालय श्रम आयुक्त ने प्रधान व रोजगार सेवक को नोटिस भेजा है। नाबालिग बच्चों से काम कराने के मामले को श्रम आयुक्त कार्यालय ने गंभीर माना है। ग्राम प्रधान व सचिव को तलब किया है। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार के मारिया रग्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लोगों ने पौधरोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया है। डीएम विशाल सिंह के निर्देश पर अपने सामाजिक सरोकारों के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सररोही बीड़ा कॉलोनी में मारिया रग्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भव्य पौधरोपण व वृक्ष वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पौधरोपण करते हुए बुनकरों के बीच वृक्षों का वितरण किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज सेवी कालीन कारोबारी जाबिर बाबू अंसारी ने किया था। इस मौके पर जाफर हुसैन अंसारी, जाकिर अंसारी, अब्दुल रब, विश्वजीत, राजेश कुशवर्मन आदि लोग मौजूद रहे। केवाईसी के नाम पर कोटेदार राशन कार्ड धारकों से जमकर अवैध वसूली कर रहे हैं।
ऐसी ही कुछ शिकायत जंगीगंज के सराय जगदीश व ऊंच के कुरमैचा गांव से सामने आई है। सराय जगदीश निवासी जलालू की पत्नी फातिमा व कुरमैचा निवासी आयुष कुमार ने अपने अपने इलाके के कोटेदारों पर केवाईसी के नाम पर सुविधा शुल्क लेने का आरोप लगाया है। कहा कि कोटेदारों को ई पास मशीन में लाभार्थियों का अंगूठा लगाकर केवाईसी करवाना है, लेकिन केवाईसी के नाम पर कुरमैचा व सराय जगदीश के कोटेदार कार्ड धारकों से 50-50 रुपया वसूल रहे हैं। कार्ड धारकों ने ऐसे कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण शनिवार को भदोही पहुंचे तो कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने हाईवे पर जोरदार स्वागत किया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण वाराणसी से प्रयागराज जा रहे थे। लाला नगर टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं की भीड़ व उत्साह देख सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपना काफिला रुकवा दिया और एक एक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं से कहा कि जल्द ही भदोही जिले में एक विशाल कार्यक्रम कर मजलूम, मजदूर, मुसलमान, पिछड़े, दलितों, वंचितों को हक दिलाने की आवाज उठाई जाएगी। स्वागत करने वालों में मोहम्मद फारूक, कृष्ण कुमार यादव, डीके आजाद, प्रदीप यादव, अजय गौतम, रोहित भारती, महेंद्र भारती, कृष्ण कुमार आज लोग मौजूद रहे। सूर्यामा इलाके के चौथार बाजार से कांवरियों का एक जत्था शनिवार को बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ है। डीजे की धुन पर नाचते गाते कांवरियों का यह जत्था पहले सूर्यामा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था। कांवरियों को रवाना करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। बाबा के जयघोष से पूरा इलाका गूंज उठा था। 21 कांवरियों का जत्था बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ है। इस मौके पर रमेश माली, करण माली, शैलेश गिरी, अनिल सोनकर, गोलू मदनवाल, संतोष हलवाई, सोनू आदि कांवरिया मौजूद रहे। नहर पुलिया से गुजर रहा एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर नहर में गिर गया। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। मामला उगापुर के जद्दूपुर नहर का है। चालक ट्रैक्टर लेकर बेजवा से उगापुर की तरफ जा रहा था। जैसे ही जद्दूपुर नहर के समीप पहुंचा तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू हो गया और ट्राली सहित ट्रैक्टर नहर में गिर गया। किसी तरह नहर से निकलकर चालक मौके से फरार हो गया था। ट्रैक्टर बमनौटी के लीलाधरपुर का बताया गया है। हादसे के बाद मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। क्रेन के जरिए नहर में गिरे ट्रैक्टर ट्राली को बाहर निकाला गया था। औराई हाईवे के घोसिया के समीप दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। घोसिया निवासी जतिन कुमार बाइक से औराई से घोसिया की तरफ जा रहा था, तभी उगापुर के सोनबरसा निवासी चंद्रमणि गौतम की बाइक से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइक सवारों में काफी देर तक हंगामा होता रहा। टक्कर से दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। सूचना पर घोसिया चौकी इंचार्ज अर्जुन सिंह मौके पर पहुंच गए थे। बाइक चालकों को मामूली चोटें आई थी। शनिवार को जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों ने बैठक की है। बैठक में डीएम विशाल सिंह, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी खत्यान, सीडीओ डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी सहित सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा मौजूद रहे। बैठक में सांसद ने फरियादियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से निस्तारित कराए जाने की बात कही है। साथ ही सांसद ने गोपीगंज ओवरब्रिज के हो रहे जल जमाव की भी दूर करने की बात कही है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी ने दुर्गागंज कुंडवा मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया को जल्द से जल्द मरम्मत कराए जाने की बात कही है। इसी तरह औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने औराई के कनहरी बमनौटी में निर्मित पावर हाउस का उद्घाटन कराकर जनता को समर्पित करने की बात कही है। बैठक में तमाम विभागों के अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। औराई के बाबूसराय के समीप हाईवे पर एक तेज रफ्तार कंटेनर डिवाइडर से टकराकर पलट गया है। हादसे के बाद हाईवे के एक लेन पर भीषण जाम लग गया था। सूचना पर औराई पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। कांवड़ियों के लिए हाईवे का एक लेन सुरक्षित किया गया है। दूसरे लेन पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ गया है। हाईवे पर हादसे में इजाफा हुआ है। शनिवार को भी प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहा एक कंटेनर बाबूसराय के समीप डिवाइडर से टकराकर पलट गया था। हालांकि कुछ ही देर बाद क्रेन के जरिए हाईवे पर पलटे कंटेनर को हटा दिया गया था। हादसे में चालक व खलासी बाल बाल बच गए हैं। ज्ञानपुर लाला नगर रोड के हरिहरपुर सुगुलपुर गांव के समीप एक पेड़ अचानक धराशाही हो गया। रास्ते पर गिरे पेड़ से कुछ देर के लिए जहां आवागमन
ठप हो गया था, वहीं विद्युत तार पर पेड़ गिरने से बड़ा हादसा टल गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क के बीचों बीच गिरा पेड़ जंगली था। हालांकि बारिश व हवा के बीच जंगली पेड़ शनिवार को अचानक गिर गया था। गिरे पेड़ से कोई हादसा नहीं हुआ है। सामाजिक सरोकार से जुड़े भदोही जिले के समाज सेवियों ने भदोही जिले से होकर जाने वाले कांवरियों के लिए भोजन और दवा तक मुहैया करा रहे हैं। घोसियां के समीप हाईवे पर एक संस्था द्वारा कांवरियों के लिए शनिवार को शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें भोजन के साथ दवा भी मुहैया कराई गई थी। प्रयागराज से काशी की तरफ जाने वाले कांवरियों को भोजन कराया गया। इस मौके पर शशांक बर्नवाल, विक्रम मित्तल, देवांश बर्नवाल, हर्षित गुप्ता, प्रदीप चौधरी मौजूद रहे। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने गोपीगंज कोतवाली में फरियाद सुनी है। इसी तरह भदोही जिले के ज्ञानपुर, सूर्यामा, चौरी, ऊज, कोयरौना, औराई, दुर्गागंज सहित सभी थाना कोतवालियों में सीओ ने राजस्व विभाग की टीम के साथ फरियाद सुनी है। सभी थाना कोतवालियों में कुल 139 प्रार्थना पत्र पहुंचे थे। 133 राजस्व विभाग व 6 शिकायतें पुलिस से संबंधित पहुंची थी। मौके पर पुलिस से संबंधित सभी 6 व राजस्व विभाग से भी संबंधित 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकी शिकायतों के निस्तारण का अधिकारियों ने निर्देश दिया है। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। हम दिखाएंगे गाँव से लेकर शहर तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हम लगातार सत्यम न्यूज वेब टीवी पर सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी का नंबर फ्लैश कर रहे हैं। एक बार फिर उन तमाम दर्शक बंधुओं का आभार जो लगातार कमेंट, लाइक व खबरों को शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।